नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक जानकारी देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको बराबर मिलता रहे। तो दोस्तों, इसमें क्या है, गेहूं की सीज़न चालू हो गई है, कटाई भी हो रही है। मैंने नया बूस डाला था, लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा बूस था इस वाले गाड़ी में वो कट गया। नहीं निकलत का, तो इसमें दोस्तों क्या हुआ कि हमारा जो बूस था वो कट गया है। हाँ, ये दोस्तों हमारा जो शाफ्ट है वो 7 नंबर का शाफ्ट है ये वाली। और एक गाड़ी हमारी उधर खड़ी थी, रुक जा कर दे। तो विशाल है, उसमें हम दिखाएंगे कि वो कितने नंबर का है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा वो पेशकश हुआ, हमारा जो 7 नंबर का शाफ्ट होता है, तो इसमें बूस बहुत ज़्यादा कटती पिटती हैं। अगर वही 6 नंबर का है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जगराट लाओ, ये दोस्तों बहुत कमज़ोर होता है, टूट भी जाता है। निकाला, अरे भाई टाइट हुई, ऐसे निकाला। जगराटवा ऊपर दोनों बार देखा था। दोस्तों, कभी भी बूस डालें तो ग्रीस करके ना डालें। ये ज़्यादा नहीं कटा है, लेकिन कुछ आज थोड़ा बहुत कटता। गेहूं की कटाई जब होती तो कट जाता, तो दिक्कत हो जाती। तो हम इसको सुबह के टाइम देख लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। जो कटा पीटा है, यही थोड़ा सा हमारा कटा पीटा है, तो आज ये ख़त्म हो जाता जल के, हीट होके। और दोस्तों, मैं चलता हूँ उस वाले गाड़ी पे। इसमें आप लोगों को मैंने शाफ्ट दिखा दिया, ये जो हमारी विशाल है, इसमें दोस्तों ये देखो, ये हमारा 6 नंबर का शाफ्ट है। तो इसमें बूस कटने की समस्या बहुत कम रहती है, क्योंकि इसकी शाफ्ट जो है 6 नंबर की होती है, बूस वही होते हैं। तो इसका जो होल होता है वो एडजस्ट कर लेता है और बढ़िया चलती भी है। और जो हमारे मलकित गाड़ी का जो है दोस्तों, इसका शाफ्ट जो होता है वो 7 नंबर का होता है। अगर आप बूस कटने से ज़्यादा परेशान हैं तो आप 7 नंबर का शाफ्ट डाल सकते हैं, 6 नंबर का, सॉरी दोस्तों, 6 नंबर का शाफ्ट डाल लें, बूस बहुत कम कटेगी। अगर आपको बढ़िया बूस मिल जा रहा है, बूस अगर ठीक ठाक मिल जा रहा है, तो आपका क्या हुआ है दोस्तों, वो कटने 7 नंबर हो या फिर 6 नंबर हो, वो कटे पिटेगा नहीं जल्दी, बढ़िया चलेगा। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए।